डियर स्टूडेंट्स आई वेलकम यू इन द कोर्स ऑफ लीडरशिप इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेकिंग दिस इज मॉड्यूल नंबर वन डबल एट एंड अवर कंसर्न इज दैट वेन एम्पेथी नीड्स टू बी कंट्रोल्ड याद रखें कि इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पेथी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और एम्पेथी के बगैर इमोशनल इंटेलिजेंस की डिमॉन्स्ट्रेशन वो सही तरीके से नहीं हो सकती बट वी हैव टू कंट्रोल अवर एम्पेथी एम्पेथी के कंसर्न में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें अंडरस्टैंड करनी है और वो ये एक्सप्रेशन है कि इफ यू यू कैन कैन नॉट अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड साइलेंस नेवर वर्ड्स याद रखिएगा कि खामोशी बजाते खुद एक गुफ्तगु का अंदाज है खामोशी के अंदर बहुत से ऐसे कंसर्नस वो शामिल हैं कि जो दूसरे शख्स के साथ आप शेयर वो कर सकते हो एंड ऑबियसली उस खामोशी के दौरान यू माइट नॉट बी स्पीकिंग बट यू वर्ड बी

साइलेंस की जो कम्युनिकेशन है दैट इज अ वेरी सेंसिटिव फिनमिना और साइलेंस की कम्युनिकेशन के दौरान हमें बहुत से ऐसे एक्सप्रेशन वो कोट करने चाहिए वो शो करने चाहिए जिससे कि अगला शख्स एक ट्रिगर वो हासिल कर सके एक बूस्ट हासिल कर सके एक मोटिवेशन उसके अंदर आ सके कि यू आर हैविंग अ कंसर्न एंड एम्पथी विद अ पर्सन और वो कंसर्न और एम्पथी तभी मटीरियलाइज होगी कि जब हम अपने खामोश लम्हात को ज्यादा टेक्निकली स्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे नो डाउट अल्फाज अपना अपना वेटेज वो जरूर रखते हैं लेकिन खामोश अल्फाज खमोश जेस्टर्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट एंड सम आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इट इज इवन स्ट्रॉगर दैन द वर्बल कम्युनिकेशन सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीज एस्पेक्ट्स अब एम्पथी से रिलेटेड देर आर फ्यू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड दीज आर वेन वी टॉक अबाउट द एम्पथी रिमेंबर मस्ट कंट्रोल अवर इंपल्सिस टू एम्पथसाइज वैन मेकिंग डिसीजन बिकॉज फैसला करने के दौरान हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने केयर्स एंड कंसर्न को कॉन्स्टेंट वो रख सकें और यह भी बात हमें सोचनी होगी कि हमारा जो केयर एंड कंसर्न है वो कहीं हमारे फैसले की इंपॉर्टेंस को वायोलेट वो ना करने दे बिकॉज हमारे लिए किसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए जो फैसला करना है उस फैसले के अंदर इमोशंस को कॉन्स्टेंट रखना वो बहुत जरूरी होगा The second important thing is we have to feel pain by the brain signals because it is possible that the next person is not expressing the in words, but his gestures, facial expressions, his body movements, all whether the person is feeling comfortable or not. Another very important factor in the empathy discussion is related with the feelings, and feelings help us understand person's perspective. फ्राम हार्ट टू हार्ट बिकॉज हमें बहुत से ऐसे सिग्नल बहुत सी ऐसी चीजों को समझना होगा कि वो अल्फाजे ना गए हों मैनी टाइम्स इट इज सेड दैट दर्ड मेलोडीज आर लेस स्वीटर दैन द अनहर्ड मैनी हमें इन बिटवीन द लाइन्स वो चीजों को समझना पड़ेगा मैनी टाइम्स इट इज सेड कि बहुत से ऐसी चीजें हमें महसूस करनी पड़ेंगी जो कि शायद अल्फाज में इजहार के अंदर पोशीदा नहीं हुई सो वी हैव टू बी केयरफुल हम फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करें हमारा जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कब कहां क्यों हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या समझ रहे हैं उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या हैं। इन सब चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी होगा सो द एम्पथी इज बेसिकली योर अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन और इस अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन में हमारा कंसर्न जो होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ होगा और हमें जजमेंट्स जो है उनको मॉरल जजमेंट्स को वो बड़ा सोच कर स्टैब्लिश करना पड़ेगा कि कहीं पर हम कोई ऐसी चीज क्रिएट ना करें कि जिससे वायोलेशन ऑफ द एथिक्स वो हो रही हो सो इमोशंस फीलिंग्स मूड्स अवर एम्पथेटिक कंसर्न्स, क्रिटिकल थिंकिंग डिसीजन मेकिंग ये तमाम वो चीजें हैं जिन्हें हमें कांस्टेंट रखकर साइड बाई साइड चलाकर अपने मकासद को हासिल वो करना है इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पथी इज हैविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल और हम ये देखेंगे कि किस तरीके से लोगों के साथ मामला में ताल्लुक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा एम्पथेटिक कंसर्न वो करामत है डियर स्टूडेंट्स अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखें एक ऑथेंटिक लीडर के लिए बहुत जरूरी होगा कि वो अपने आप को एम्पथी के साथ दूसरों के ताल्लुक में वो लेकर आए और उस एम्पथी के दौरान हमें यह बात समझनी होगी कि दूसरों के ऐसा क्या हैं और सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें कौन सा फैसला वो करना चाहिए थैंक यू